हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 4। इसके पहले भाग 3 तक में हमने बहुत सारे कुछ बता चुके, तो जो स्टूडेंट अब तक नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2023 वाला जो होगा प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करें, उसमें सब भी क्लास जितने भी पढ़ाए गए सब आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी भाग 3 जो है आपको इस क्लास के लास्ट में स्क्रीन के एंड में आपको दिख जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब तक जितने स्टूडेंट आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर किया करिए, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों आपका 2023 बैच की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने दो ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप का और एक टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही मिल जाएगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और बहुत ही शानदार क्लास आज का होने वाला है। आप पूरा देखेंगे आपको ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विश्वास मानिएगा। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और इसको अगर संपूर्ण जानकारी और अच्छे से चाहिए तो आप तीसरा वाला भाग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ससंयोजी ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा होता है हमारा आण्विक ठोस होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास यानी कि क्लास भाग 3 में जो है था हमने ससंयोजी ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं, इनको हमने बताया था, और इनका हमने एग्जांपल भी बताया था, और मैंने कहा था आप तैयार करेंगे इसमें आपके दिए हुए एग्जाम्पल को ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा उसको हम रिपीट करके फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे पुराने यानी जो कल स्टूडेंट देख चुके हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो नए स्टूडेंट यानी आज इस क्लास में देख रहे हैं उनको एक बार तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले क्लास में देख सकते हैं यहाँ पर भाग 3 में हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार यानी कि ठोस जो होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कि ये 4 प्रकार के होते हैं, ससंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आण्विक ठोस। चलिए हम पहले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां हम देख सकते हैं पहला हमने यहां पर लिया हुआ ससंयोजी ठोस में, इसमें कुछ हमने मुख्य पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, ससंयोजी ठोस के अवयव यानी जो मिलकर वो यानी ससंयोजी ठोस जो जिससे मिलकर के बने होते हैं उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। पॉइंट नोट करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हमने बताया था कि यह एक दूसरे से प्रबल ससंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने बताया था ये विशाल जाल का निर्माण करते हैं, और इसके बाद हमने बताया था इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि दोस्तों इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब यह गलना शुरू होगा। इसका दोस्तों लास्ट में पॉइंट बताया था कि यह गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि दोस्तों अगर ये लिक्विड में रहेगा तो ये विद्युत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी विद्युत रोधी होते हैं। चलिए बात करेंगे तो बोलेंगे सर हाँ ये तो बात सही, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल दे देते तो बढ़िया रहता। चलिए हमने वो एग्जाम्पल सेलेक्ट किया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर करके पूछे जाते हैं ना, तो एग्जाम्पल में आप लोग याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट, SiCl(n), SiO2 आदि, ये सब क्या होते हैं आपके ससंयोजी ठोस कहलाते हैं ये सभी सभी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब दोस्तों दूसरी है दूसरा आपका आ जाता है आयनिक ठोस, इसमें हमने आपको बताया था पॉइंट कि आयनिक ठोस के अवयव यानी जिससे मिलकर के बने होते हैं वह कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, नाम से क्लियर, आयनिक यानी जो भी इसमें यौगिक यानी जो भी मिले होंगे उनको तोड़ेंगे तो आपको प्लस आयन और ऋण आयन में ये टूट जाएंगे, यानी धनायन में और ऋण आयन में टूट जाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट कहता है कि आयनिक ठोस के संरचनात्मक इकाई में धनायन तथा ऋण आयन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट बताया था कि यह वैद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यह वैद्युत बंध आपने पढ़ा होगा ना कक्षा 11 में ना, तो उससे यह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और हमने फिर बताया था आपको लास्ट वाला पॉइंट कि यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक, ध्यान सुनिएगा, यह गलित यानी दोस्तों अगर ये लिक्विड में अवस्था में रहेगा तो ये विद्युत यानी इसमें विद्युत प्रवेश करेगा। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अगर ये ठोस में रहेगा तब ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचारी यानी इसमें हम विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। अब एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि NaCl यानी कि नमक को आप ध्यान सुनिएगा, अगर नमक ठोस रहेगा उसमें आप करंट डालेंगे तो उसमें करंट नहीं जाएगा, यानी एक किनारे पर यानी कि आपने नमक रख लिया या आपने करंट लगा दिया और ये इस किनारे पर आप टच करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, लेकिन यही आप इसको घोल लीजिएगा, ठीक है, इसका घोल ले लीजिए, इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इस पूरे लिक्विड में क्या होता है, करंट
पहुंच जाएगा, तो आपको करंट मारेगी। तो इस तरीके से कहा गया कि लिक्विड में इसमें ये लिक्विड यानी कि दोस्तों आपके गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं और जब ये ठोस रहेंगे तो विद्युत के कुचालक होते हैं। उसी तरीके एग्जांपल में आप ZnS ले सकते हैं, MgO ले सकते हैं, CaF2 आदि ले सकते हैं। ये हमने वो एग्जाम्पल लिया हुआ जो आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पिछले क्लास में जो कि हमने इस टॉपिक में हमने अच्छे से रिवीजन इसको भी कर दिया, अगर जो नए स्टूडेंट वो देख करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, जो बाकी शेष बचे उनको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग आ जाता है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा धात्विक ठोस, नाम से क्लियर धात्विक ठोस। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि सामान्य ताप तथा दाब पर आवर्त सारणी के 80 से ऊपर वाले तत्व धात्विक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों आप आवर्त सारणी ओपन करिए, उसमें जहां से 80 नंबर यानी 81 से जितने भी तत्व आपको मिल जाएंगे वह सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे। एग्जांपल में आप आसानी से समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लिख भी सकते हैं ना। तो आपने हमने क्या बताया कि सामान्य ताप तथा दाब पर आवर्त सारणी के 80 से ऊपर वाले तत्व धात्विक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। फिर दोस्तों इसमें हमने अगला पॉइंट की बात करें तो इनके मध्य धात्विक आबंध होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट नोट करिएगा कि यह विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी दोस्तों इसमें विद्युत जो है वो आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यह विद्युत के सुचालक होते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, इसमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी दोस्तों आघात वर्धनीयता यानी दोस्तों कि अगर जब हम इसको पीटेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको जब हम पीटेंगे तो इसमें आघात यानी इसको सहने की क्षमता होगी, और जब इसको पीटेंगे तो ये तनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोहे को पीटना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उस तन्यता है ना, वो आपने क्या चौड़ा होना शुरू हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं तन्यता, ठीक है। तो इस इनमें यानी इसमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल में आप लेना चाहें 81 से आप ले सकते हैं, ठीक है, 81 से ले सकते हैं। जैसे कि आपका TiO हो गया, ठीक है, और आपका बिस्मथ हो गया, ठीक है, ये सभी आपका हो गया, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 81 से लेकर के जितने आपके हैं वो सब किस में आएंगे, आपके धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे, तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर होगी। चलिए आपका धात्विक ठोस भी आपका क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट करते हैं, आपको ये पढ़ाने के बाद, ध्यान सुनिएगा, ये पढ़ाने के बाद जो है ये आपका जो नोट है, ठीक है, इसका हम PDF बना करके भाई आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो टेलीग्राम में अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़े तो जाकर के आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे यूपी बोर्ड एक्सीलेंट एग्जाम, ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम के नाम से भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा, आप डायरेक्ट लिंक से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ाने के बाद सभी काम PDF आपको फ्री में देंगे ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। और जितने मेरे प्यारे नए स्टूडेंट आ चुके हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर, रोजाना क्लास को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चौथे पॉइंट के लिए नोट करिएगा आप लोग आण्विक ठोस। इसमें पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिएगा कि इनके अवयवी कण अणु होते हैं, यानी दोस्तों ये जिनसे मिलकर के बने होते हैं उनके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आण्विक ठोस जिससे मिलकर के बने होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं, यानी अणु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिएगा कि यह आण्विक बलों द्वारा बंधे होते हैं, जैसे कि आपका वंडर वाल बल हो गया, इन सभी बलों से ये क्या होते हैं, आपके बंधे होते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक दे दिया। चलिए इसका दोस्तों लास्ट पॉइंट हम नोट करिएगा कि यह विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी दोस्तों इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर है बात है। चलिए अगर इतनी पॉइंट अगर क्लियर हो गई तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो भाई आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ठोस, CO2, बर्फ, ठीक है, ये ले सकते हैं, ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो आण्विक ठोस है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे पॉइंट लिख लीजिएगा कि आण्विक ठोस यानी कि यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब डिटेल में इसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं, एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हुए परिभाषा और उसका एग्जाम्पल नोट करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी लिखिए कि आण्विक ठोस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाता है अध्रुवी आण्विक ठोस, दूसरा आपका ध्रुवी आण्विक ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बाधित आण्विक ठोस। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लीजिएगा,
अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस। इससे पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि यह अध्रुवी परमाणु या अणु के द्वारा बने होते हैं, ठीक है, यानी यह अध्रुवी परमाणु या अणु के द्वारा बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि यह एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब याद रखना बात यह है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछता है कि अध्रुवी आणविक ठोस किससे किससे बंधे होते हैं, तो ये एक दूसरे से किससे बंधे होते हैं, सहसंयोजी आबंध के द्वारा ही बंधे होते हैं, जो कि हमने पहले बता चुके हैं सहसंयोजी आबंध के द्वारा। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। इसका दोस्तों लास्ट पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि यह विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी दोस्तों इसमें हम करंट प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा और इसका गलनांक बहुत कम होगा, यानी कम ही टेम्परेचर में क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, ठीक है, आप समझ गए अध्रुवी ठोस के बारे में। चलिए इसमें एग्जाम्पल आपको दे देते हैं फटाफट। एग्जाम्पल में आप लोग लिखिए, जैसे में आपका हो गया एआर हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, सीएल टू हो गया, बीआर टू हो गया, एच टू हो गया आदि। याद करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल कैसे ट्रिक से समझेंगे, या तो दोस्तों इसमें एक ही यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही आपके यहाँ पर तत्व रहेगा, या फिर दोस्तों अगर रिपीट भी करेगा तो डबल डबल, जैसे सीएल टू होगा, बीआर टू होगा, एच टू होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सब अध्रुवी आणविक ठोस के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड है आपका अध्रुवी आणविक ठोस। चलिए इससे कुछ पॉइंट हम बता देते हैं आपको कि यह ध्रुवी परमाणु के मध्य बनता है। सिंपल सी बात है, ध्रुवी है तो ध्रुवी परमाणु के मध्य बनेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इनके मध्य ध्रुवी आबंध होता है, सिंपल सी बात। चलिए थर्ड पॉइंट, यह बहुत नर्म होता है, यानी कि बहुत ही मुलायम, यानी कि नर्म होता है। लास्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, यानी दोस्तों अगर ये ठोस रहेगा तो कुचालक होंगे, लेकिन ये जब गल जाएगा तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएगा, यानी उसमें विद्युत जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि सुचालक, एक ही बात हो गया। चलिए एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा इसमें फटाफट, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो गया HCl, SO2 आदि, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। चलिए दोस्तों थर्ड की बात कर लेते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बाधित आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। सिंपल से आपने कक्षा 11 में हाइड्रोजन बंध पढ़े होंगे, ठीक है, अब बस वही एग्जांपल यहाँ पर आपको लिख देना है, आंसर आप पा देंगे। जैसे में आपका एग्जांपल में आप H2O यहाँ पर डाल सकते हैं, और क्या HEF डाल सकते हैं, सब फेमस है, NH3 डाल सकते हैं आदि, देख सकते हैं तीन प्रकार था, तीनों हमने आपको समझाकर बता दिया और इसका एग्जाम्पल भी बता दिया। अब दोस्तों इसका पढ़ाने पर PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम से आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा ताकि ये PDF आपको मिल सके। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल वाला, ठीक है, कल से जो पढ़ेंगे, ये तो बेसिक था, इसमें क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अब आने वाले टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये हम लोग कल से शुरू करें, जिसमें कि BCC है, सब कुछ है, उसमें हम लोग धीरे धीरे आराम से समझते हुए आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों क्लास समझ में आ गए तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।